हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरएल लर्निंग क्लासेस। तो क्लास सिक्स की मैथ्स का नो योर नंबर्स चैप्टर वन, हम इसके पार्ट दो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट थ्री, पढ़ेंगे एस्टिमेशन के बारे में। एस्टिमेशन क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। एस्टिमेशन स्टार्ट करेंगे हम राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट से। क्या होता है ये एस्टिमेशन? ठीक है, कोई नंबर लेते हैं हम, ये हमने एक नंबर लिया है 54,837। तो ये इसका राउंडिंग ऑफ कैसे हम करेंगे वो आइए देखते हैं। राउंड ऑफ मीन्स होता है कि जैसे कि आप कोई कोई चीज लेने जाते हैं, मम्मी ने आपको 100 रुपए दिए, आप लेने की कोशिश, आपको वो 97 की पड़ी, ठीक है, तो आपके घर पे आके बोलते हैं मम्मी 97 की पड़ी है, नहीं आप बोलते हैं मम्मी है राउंड ऑफ करके 100 की पड़ी है, राउंड ऑफ। तो क्या होता है राउंड ऑफ? मीन्स ये जो नंबर हमारा लिखा हुआ है 54,837, इसको हम कर देंगे राउंड ऑफ। राउंड ऑफ किस किस प्लेस पे होता है तो आइए वो देखते हैं। तो पहले हम लेते हैं इस डिजिट पे, यानी कि इसको राउंड ऑफ करते हैं, तो हमको एक नंबर मिलेगा 54 और 8 और 37 का राउंड ऑफ क्या होता है? देखो दो राउंड ऑफ होते हैं, एक 37 के पास में 40 और एक होता है 30। तो अब दोनों में ऐसे जाएगा 30 से 40 के बीच में 37 लाई करता है, तो 37 यहाँ से है 7 का डिफरेंस, यहाँ है 3 का डिफरेंस, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 40 में बनेगा, तो ये आपका 40 हो जाएगा, यानी 54,840 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद आता है एक और, आप क्या करेंगे, अब दो डिजिट तक आपने देख लिया, अब आपको देखना होगा तीन डिजिट तक। अब आप तीन डिजिट देख के चलिएगा 837, राउंड ऑफ क्या करेंगे 837 किसके बीच में आता है, 837 इज 800 और 900 इसके बीच में लाई करता है। अब किसके पास में है ज्यादा, 800 के पास में है, तो आप 800 वाली वैल्यू ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 54,800। ठीक है, यहां तक आप समझ गए होंगे। एक और देखते हैं 1000 प्लेस पे। तो अब यहाँ 4 डिजिट दी गई, यानी कि आपकी चौथी डिजिट है 4837 किसके बीच में लाई करती है, 4000 और 5000 के बीच में, किसके पास में ज्यादा दिख रही है आपको, तो 5000 के पास में दिख रही है, इसलिए आप यहाँ पर 5000 लेंगे। तो ये आपको राउंड ऑफ द नियरेस्ट पता चल गया होगा। एस्टिमेशन इसको बोलते हैं, नंबर को हम तीन अलग अलग डिजिट से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर हमने देखा 2 डिजिट लेके चले थे, यहाँ हमने 3 डिजिट किया और यहाँ हमने 4 डिजिट किया। मीन्स ये हमारा 10th प्लेस पे है, 10th प्लेस तक हमने एस्टिमेट किया, ये हमने 100 प्लेस तक किया और ये हमने 1000 प्लेस तक किया। ठीक है, तो ये होता है हमारा एस्टिमेशन। अब नंबर लेते हैं और उसको हम एस्टिमेट करते हैं। नंबर हमारा 3643 और सेकेंड नंबर हमारा 4267। अब नियरेस्ट आपको बनाना है, ये नियरेस्ट है आपके, ये बनाना है 10th प्लेस पे, 100 पे और 1000 पे, तीन प्लेस पे आपको ये इसको बनाना है। तो उसी तरह हम लोग जाएंगे, सबसे पहले आते हैं हम लोग 10th प्लेस पे। तो 10th प्लेस के लिए हमने क्या बताया आपको, सिर्फ आपको ये दो नंबर देखने हैं, ये दो नंबर आपको देखने हैं और इनको आपको देखना है किसके बीच में लाई करते हैं। लाई 43 है आपका, अभी इसको थोड़ी देर के लिए छुपा दीजिए, आप समझिए 43 है हमारे पास। 43 किसके किसके बीच में आता है, एक आता है 40 और 50 के बीच में, इतना तो आपको पता चल गया होगा। अब 43 40 के पास में या 50 के पास में आपको बस ये देखना है, तो ये 40 के पास में है, इसलिए आप इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या दे जाएगा 40 और ये 36
ठीक है, आप समझ गए होंगे ये मैंने कैसे किया। उसके बाद इसमें आते हैं 42 और 67 किसके बीच में आता है, 60 और 70 के बीच में, किसके पास में, 70 के पास में। बस इस तरह से आपको लिखते जाना है, बस ये याद रखना है। टेंथ प्लेस पे आपको दो डिजिट रखनी है इस तरफ से, और टेंथ प्लेस तक 100 प्लेस 3 और 1000 प्लेस पे 4। ठीक है, 100 पे आते हैं तो यहां से तीन डिजिट निकालेंगे तो 643 यानी कि 3700। ठीक है, और यहां तीन डिजिट निकालेंगे यानी कि 4000। उसके बाद इसको करेंगे आप लोग 3643 को, ये आएगा आपका 4000, और 4267 को करेंगे तो ये भी आएगा आपका 4000 के नियरेस्ट। ठीक है, तो आई होप आप सब यहाँ पर ये चीज समझ गए होंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर पे, किस टाइप के क्वेश्चन जैसे एस्टिमेशन से पूछे जाते हैं। सबसे पहले आता है फर्स्ट ऑफ ऑल एस्टिमेशन सम, सम करेंगे टू नंबर्स का। लाइक नंबर हम ले लेते हैं 47, 3647 और प्लस 4261, ये हमने नंबर ले लिए, दो नंबर ले लिए। ठीक है, और इसको हम राउंड ऑफ करना है, ये आप बोला जाएगा राउंडिंग ऑफ, या इसको बोलूं मैं 100 प्लेस तक के लिए, ये आपको दिया जाएगा 100 प्लेस तक के लिए। ठीक है, अब 100 प्लेस तक के लिए जाना है तो आपको पूरा नहीं देखना, आपको सिर्फ 100 प्लेस देखना है, यानी कि ये तीन नंबर, तीन वैल्यू ये और तीन वैल्यू ये। ठीक है, तो राउंड ऑफ आप कैसे करेंगे, 647 यानी कि आएगा ये 647, तो ये 500 और उसके बीच में आएगा, तो ये आपका हो जाएगा राउंड फिगर 600, तो ये हो जाएगा आपका 3600। ठीक है, और इसको आप करेंगे तो ये हो जाएगा 4300। ठीक है, क्योंकि 100 प्लस तक हमको चेंज करना है, बाकी दोनों को रजिस्टर में जीरो लाना है, और इसको ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 009 और 7, तो ये आपका आंसर हो गया, ये राउंडिंग ऑफ आपका 100 प्लस तक के लिए आ गया। ठीक, तो आई होप आप सबको ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे। इसके बाद बात आती है, मैं एक एक क्वेश्चन आपको करके बता रहा हूं, आप एक्सरसाइज करिएगा, कोई क्वेश्चन ना है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। एस्टिमेशन डिफरेंस, ठीक है, अब इसको हम देखेंगे, पहले देखते हैं 1000 प्लेस तक की है, 1000 प्लेस नंबर लिया हमने 5963 प्लस 363, अगर हमने ये दो नंबर ले लिए तो इसको आप कैसे राउंड ऑफ करेंगे, तो 5963 ये हमारा नंबर है, इसको अगर हम 1000 प्लेस तक ले जाएंगे तो ये आपका टोटल 6000 हो जाएगा। ठीक है, और ये सॉरी माइनस नहीं करेंगे, ये डिफरेंस निकालना है तो इसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो 6000 ये, और ये आपका सिर्फ 100 प्लस तक है, इसमें तो 1000 प्लस है ही नहीं, तो यहाँ पर क्या आएगा, जीरो, बात खत्म हो गई, यहाँ पर तो आंसर वही आ गया, तो इसलिए हमने यहाँ पर डिफरेंस नहीं निकाला, यहाँ पर हमने निकाला यही चीज को हमने राउंड ऑफ करके लिख दिया यहाँ पर, तो ये कुछ फायदा ही नहीं हुआ। अगर यहाँ पर हम 1000 प्लस की जगह पर हम लिखते हैं यहाँ पर 100 प्लस, ध्यान से समझिएगा, अगर यहाँ पर हम 100 प्लस लिखते हैं तो इसका आंसर कैसे चेंज हो जाएगा, तो 5 आपका उस तरह से लिखा रहेगा, और 963 को आप करेंगे तो आपका आ जाएगा, ये इसको आप राउंड फॉर राउंड ऑफ करेंगे तो ये 10 में कन्वर्ट तो ये 6000 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप करेंगे तो ये 400 आ जाएगा, और इसको आप माइनस कर देंगे तो ये आपका 5600 आ जाएगा। तो आई होप आप सबको ये चीज डिफरेंस वाला एस्टिमेशन समझ में आ गया होगा। तो एस्टिमेशन का हमने खत्म कर दिया सम और डिफरेंस। ठीक है,
अब बात आती है एस्टिमेशन के प्रोडक्ट की, बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एस्टिमेशन का प्रोडक्ट। नंबर दिया हमने यहाँ पर 37 और इसको मल्टीप्लाई किया हमने 542 से, ठीक है। अब इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो, और इसको हम लिखा जाएगा आपको टेंथ प्लेस, क्योंकि यहाँ पर 100 प्लेस लिखना बेकार है, 1000 प्लेस लिखना बेकार है, बिकॉज एक आगे है नहीं, तो ये जीरो हो जाएगा। तो टेंथ प्लेस के लिए ये आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, तो टेंथ प्लेस के लिए चेंज करना शुरू करिए। 37 को आप टेंथ प्लेस से नियरेस्ट क्या आएगा तो 40, और मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको चेंज करेंगे तो ये आएगा 540, ठीक है। अब इसको आप आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा आंसर, ठीक है, 21,600। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप आप सबको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो आज का पार्ट थ्री आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो ये ऑलमोस्ट 9 नंबर का तीसरा पार्ट था, एक पार्ट और मैं रोमन नंबर के बारे में बताऊंगा, वो पार्ट भी आप हमारा जरूर देखिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में आप सब बच्चों लोगों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।